कुंभ राशि 2022 फरवरी का महीना कैसा जाएगा। जितने भी जातक कुंभ राशि के इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हम जो प्रेडिक्शन लेते हैं वो सनातन धर्म के हिसाब से होता है, दैट इज चंद्र राशि जो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से होती है। तो हॉरोस्कोप के हिसाब से जिनकी कुंभ राशि है आइए उनका प्रेडिक्शन फरवरी के मंथ का जानते हैं। 2022 बहुत ही ब्लिसफुल, बहुत ही अच्छा, यहाँ आपने कुछ सोचा वहाँ आपको मिल गया, कुछ महीनों से जो आप परिश्रम कर रहे थे उसके सक्सेस के बारे में सोच रहे थे और यहाँ आपको सक्सेस मिल गई, ये सोचा ये हो गया। कुछ करना चाहते हैं आपके दिमाग में कोई अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट हार्मिंग एनीवन, सात्विक आइडियाज, गुड आइडियाज अपने सक्सेस के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए, कुछ भी अच्छा आप सोच रहे हैं जिसमें दूसरों को हानि नहीं है उसको आप एग्जीक्यूट करें और आपको सफलता मिले। क्योंकि इस मंथ आपके बड़े जो आपके लिए प्रेयर्स करते हैं, आपने जो अपने लिए प्रेयर्स करी, आपने दूसरों के साथ जो अच्छे कर्म किए वो सभी पूंजीभूत हो गए और एक सुरक्षा चक्र आपके आसपास बन गया। काल चक्र आपके फेवर में, सौभाग्य का चक्र आपके साथ है, तो आप जो चाहेंगे उसमें विजय हासिल करेंगे। शादी हो ढूंढ रहे हैं, पार्टनर मिल जाएगा। शादी कब होगी? इस महीने हो सकती है, हो सकता है इसी महीने हो भी जाए, पक्की हो जाए। जॉब मिल जाएगी, जॉब में प्रमोशन चाहिए मैम, मिल जाएगा। ट्राई करिए, जाके बॉस से बात करके देखिए, प्रेम से मिल जाएगा। बिजनेस में डील अच्छी कब मिलेगी? इस महीने मिल जाएगी। बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, हर चीज के लिए यस है, गलत बातों के लिए नहीं, पर सारी जो चीजें नीडेड हैं उनके लिए यस है। एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा या फिर जिस भी एरिया में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें मैं क्या सक्सेसफुल होऊंगा, हो जाएंगे, ठीक है। मेरा समय कब बदलेगा मैम? मैं परेशान चल रहा था, इस महीने से बदल जाएगा। तो ये सारी चीजें हाँ में है, फेवर में, ब्यूटिफुल, प्रभु की आराधना बढ़ा दीजिएगा। बस मैं हमेशा कहती हूँ कि जब इतने अच्छे अच्छे सुखद समय आते हैं, मौके आते हैं, तो प्रभु को नहीं भूलना चाहिए, उनकी आराधना को हमेशा बढ़ा देना चाहिए, वो बढ़ाइए। और ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आपको खास बताना है। अब हम आ जाते हैं रोगों, तो रोगों का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि प्रभु के पार्षद तो स्वयं आपके, इष्ट के पार्षद स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो उसका तो कोई रोल मुझे नजर नहीं आता। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा लकी कलर लकी नंबर पे। तो लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 1 और लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है ऑरेंज एंड येलो। तो आप एक काम और कर सकते हैं, मंगलवार के दिन जो ऑरेंज कलर की बूंदी का प्रसाद होता है ना, वो आप हनुमान जी को चढ़ाकर गरीबों में बांट दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा, ठीक। इनसे भी बातों का प्रयोग करें और अपने इस ऑलरेडी इतने ब्लेस्ड मंथ को, जिसमें मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ा आपको, उसको और ब्लेस्ड व्यतीत कर लीजिए, प्रभु की आराधना बढ़ाकर। धन्यवाद।